सो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बेस्ट अपकमिंग कैमरे फोन के बारे में बताने वाला हूँ कि अप्रैल 2023 में आपको कौन कौन से स्मार्टफोन कैमरे के लिए बेस्ट देखने को मिलने वाली है। सो दोस्तों, अगर आप भी जानने के लिए एक्साइटेड है तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। मैं आपको फुल डिटेल स्पेसिफिकेशन के साथ बताने वाला हूँ कि कौन कौन से स्मार्टफोन देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो बात कर लेते हैं सबसे पहली स्मार्टफोन की, तो ओप्पो रेनो 9 सीरीज देखने को मिलेगी। 6.7 इंच की आपको एमोलेड डिस्प्ले मिलेगी 120 हर्ट्ज स्क्रीन रिफ्रेश रेट के साथ। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 प्लस जेन 1 की प्रोसेसर के साथ आने वाली है। 8GB की रैम वेरिएंट, 128GB की स्टोरेज वेरिएंट आपको देखने को मिल जाएगी। इस स्मार्टफोन में आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगी जिसमें 64 मेगापिक्सल की आपकी प्राइमरी सेंसर होने वाली है और फ्रंट में 32 मेगापिक्सल की सेल्फी व वीडियो कॉलिंग के लिए सेंसर देखने को मिल जाएगी। 4500 मिली एम्पीयर की बैटरी के साथ आएगी जिसे चार्ज करने के लिए 67 वाट की फास्ट चार्जर आपको इन दी बॉक्स देखने को मिलने वाली है। और दोस्तों, इस स्मार्टफोन को कंपनी अप्रैल के फर्स्ट वीक में लॉन्च कर सकती है और प्राइस सेगमेंट की बात कर लिया जाए तो आपको अप्रोक्स 40,000 रुपीज इस स्मार्टफोन की प्राइस सेगमेंट देखने को मिलने वाली है। सो दोस्तों, नेक्स्ट स्मार्टफोन आपको वीवो X90 प्रो देखने को मिलने वाली है। 6.78 इंच की आपको एमोलेड डिस्प्ले मिलेगी 120 हर्ट्ज स्क्रीन रिफ्रेश रेट की। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 जेन 2 की आपको प्रोसेसर मिलने वाली है। 8GB की रैम वेरिएंट और 256GB की स्टोरेज वेरिएंट के साथ आपको ये स्मार्टफोन देखने को मिल जाएगी। क्वाड कैमरा सेटअप के साथ आएगी जिसमें आपको प्राइमरी सेंसर 64 मेगापिक्सल की होने वाली है और फ्रंट में 32 मेगापिक्सल की सेल्फी व वीडियो कॉलिंग के लिए सेंसर देखने को मिल जाएगी। 5000 मिली एम्पीयर की बैटरी मिलने वाली है जिसे चार्ज करने के लिए 80 वाट की फास्ट चार्जर आपको इन दी बॉक्स देखने को मिल जाएगी। लॉन्च डेट की अगर दोस्तों बात कर लिया जाए तो आपको अप्रैल के फर्स्ट वीक में कंपनी इस स्मार्टफोन को लॉन्च कर सकती है और प्राइस सेगमेंट की बात कर लिया जाए तो आपको अप्रोक्स 75,000 रुपीज इस स्मार्टफोन की प्राइस सेगमेंट देखने को मिलने वाली है। सो दोस्तों, वीडियो आप लोगों को कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा और अप्रैल के मंथ में कौन कौन से बेस्ट स्मार्टफोन आने वाली है उसके ऊपर भी मैंने आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करवा दी है, तो आई बटन में आपको वीडियो लिंक मिल जाएगी, आप चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। सो दोस्तों, नेक्स्ट स्मार्टफोन की अगर बात कर लिया जाए तो आपको Redmi K60 देखने को मिलेगी लेकिन इंडिया के अंदर आपको Poco के ब्रांड में देखने को मिलने वाली है। 6.69 इंच की आपको OLED डिस्प्ले मिलेगी 120 हर्ट्ज स्क्रीन रिफ्रेश रेट की। Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 की प्रोसेसर होने वाली है। 8GB की रैम वेरिएंट, 128GB की स्टोरेज वेरिएंट के साथ आपको ये स्मार्टफोन देखने को मिल जाएगी। ट्रिपल कैमरा सेटअप आपको देखने को मिलेगी जिसमें 64 मेगापिक्सल की प्राइमरी सेंसर होने वाली है और फ्रंट में 16 मेगापिक्सल की सेल्फी व वीडियो कॉलिंग के लिए सेंसर देखने को मिल जाएगी। 5000 मिली एम्पीयर की बैटरी के साथ आएगी जिसे चार्ज करने के लिए 67 वाट की फास्ट चार्जर आपको इन दी बॉक्स दी जाएगी। बात कर लिया जाए लॉन्च डेट की तो आपको अप्रैल के फर्स्ट वीक में कंपनी इस स्मार्टफोन को लॉन्च कर सकती है और प्राइस सेगमेंट की बात कर लिया जाए तो आपको अंडर 35,000 रुपीज में इस स्मार्टफोन की प्राइस सेगमेंट देखने को मिल जाएगी। सो दोस्तों, वीडियो आप उम्मीद करता हूं आप लोगों को पसंद आ रही होगी, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आप लोग वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं तो वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्मार्टफोन जो है आने वाली है, तो वीडियो को लाइक कर दिए। चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सो दोस्तों, नेक्स्ट स्मार्टफोन आपको Huawei Mate 50 Pro देखने को मिलने वाली है। 6.67 इंच की आपको OLED डिस्प्ले मिलेगी 144 हर्ट्ज स्क्रीन रिफ्रेश रेट के साथ। 8 प्लस जेन 1 की आपको प्रोसेसर देखने को मिलने वाली है। 8GB की रैम वेरिएंट, 128GB की स्टोरेज वेरिएंट के साथ आपको ये स्मार्टफोन देखने को मिल जाएगी। ट्रिपल कैमरा सेटअप के साथ दोस्तों आने वाली है जिसमें 64 मेगापिक्सल की आपको प्राइमरी सेंसर मिलेगी और फ्रंट में 32 मेगापिक्सल की सेल्फी व वीडियो कॉलिंग के लिए सेंसर देखने को मिल जाएगी। 4700 मिली एम्पीयर की बैटरी दी जाएगी जिसे चार्ज करने के लिए 66 वॉट की फास्ट चार्जर दोस्तों आपको इन दी बॉक्स मिलने वाली है। बात कर लेते हैं लॉन्च डेट की तो अप्रैल के थर्ड वीक में कंपनी इस स्मार्टफोन को लॉन्च कर देगी और प्राइस सेगमेंट की बात कर लिया जाए तो आपको अप्रोक्स 80,000 रुपीज में इस स्मार्टफोन की प्राइस सेगमेंट देखने को मिलने वाली है। सो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यूट्यूब पे एकमात्र चैनल है जो कि हर इंफॉर्मेशन आपको सबसे पहले प्रोवाइड करवाती है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे जरूर कर लीजिएगा ताकि आप इंफॉर्मेटिव वीडियो को मिस ना कर सके। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं नेक्स्ट स्मार्टफोन की, तो आपको ZTE Exynos 30S देखने को मिलने वाली है। 6.95 इंच की आपको बड़ी डिस्प्ले मिलेगी एमोलेड डिस्प्ले 120 हर्ट्ज स्क्रीन रिफ्रेश रेट के साथ। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 870 की प्रोसेसर होने वाली है। 8GB की रैम वेरिएंट, 128GB की स्टोरेज वेरिएंट के साथ आपको ये स्मार्टफोन देखने को मिल जाएगी। क्वाड कैमरा सेटअप के साथ आने वाली है जिसमें 64 मेगापिक्सल की आपकी प्राइमरी सेंसर होने वाली है और फ्रंट में 32 मेगापिक्सल की सेल्फी व वीडियो कॉलिंग के लिए दोस्तों सेंसर मिल जाएगी। बात कर लेते हैं बैटरी की, तो 4200 मिली एम्पीयर की बैटरी होने वाली है जिसे चार्ज करने
करने के लिए 55 वाट की फास्ट चार्जर आपको इन दी बॉक्स देखने को मिल जाएगी। लॉन्च डेट की अगर बात कर लिया जाए तो अप्रैल के थर्ड वीक में कंपनी इस स्मार्टफोन को लॉन्च कर देगी, और प्राइस सेगमेंट की बात कर लिया जाए तो आपको अप्रोक्स 35,000 रुपीज देखने को मिलने वाली है इस स्मार्टफोन की प्राइस सेगमेंट। सो दोस्तों बात कर लें नेक्स्ट स्मार्टफोन की, तो आपको IQ Neo 7 की रेसिंग एडिशन देखने को मिलने वाली है। 6.76 इंच की आपको 2K AMOLED डिस्प्ले मिलेगी 120 हर्ट्ज स्क्रीन रिफ्रेश रेट के साथ। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 जेन 2 की आपको प्रोसेसर मिलने वाली है। 8GB की रैम वेरिएंट 128GB की स्टोरेज वेरिएंट के साथ आपको ये स्मार्टफोन देखने को मिल जाएगी। इस स्मार्टफोन में आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलने वाली है, जिसमें 50MP की प्राइमरी सेंसर होने वाली है और 16MP की सेल्फी व वीडियो कॉलिंग के लिए सेंसर देखने को मिल जाएगी। 5000mAh की बैटरी के साथ आएगी, जिसे चार्ज करने के लिए 120W की फास्ट चार्जर दोस्तों आपको इन दी बॉक्स देखने को मिल जाएगी। बात कर लेते हैं लॉन्च डेट की, तो अप्रैल के लास्ट वीक में दोस्तों इस स्मार्टफोन को लॉन्च कर दिया जाएगा, और प्राइस सेगमेंट की बात कर लिया जाए तो आपको 45,000 रुपीज अप्रोक्स इस स्मार्टफोन की प्राइस सेगमेंट देखने को मिलेगी, जो कि इसकी बेस वेरिएंट की प्राइस सेगमेंट होने वाली है। नेक्स्ट स्मार्टफोन की अगर दोस्तों बात कर लिया जाए तो आपको Realme GT Neo 5 देखने को मिल सकती है। 6.76 इंच की आपको AMOLED डिस्प्ले मिलेगी 120 हर्ट्ज स्क्रीन रिफ्रेश रेट के साथ। Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 की प्रोसेसर के साथ आने वाली है। 8GB की रैम वेरिएंट 128GB की स्टोरेज वेरिएंट आपको इस स्मार्टफोन में देखने को मिल जाएगी। ट्रिपल कैमरा सेटअप होने वाली है, जिसमें 50MP की प्राइमरी सेंसर होगी और फ्रंट में 16MP की सेल्फी व वीडियो कॉलिंग के लिए सेंसर देखने को मिल जाएगी। 5000mAh की बैटरी के साथ आने वाली है और 150W की फास्ट चार्जर आपको इन दी बॉक्स देखने को मिल जाएगी। बात कर लिया जाए लॉन्च डेट की, तो अप्रैल के लास्ट वीक में कंपनी इस स्मार्टफोन को लॉन्च कर सकती है, और प्राइस सेगमेंट की बात कर लिया जाए तो आपको अप्रोक्स 40,000 रुपीज इस स्मार्टफोन की प्राइस सेगमेंट देखने को मिल जाएगी। सो दोस्तों वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस तरह की वीडियो सबसे पहले आपको सूर्यानंद भाई चैनल पर देखने को मिलती है और जेन्युइन वीडियो मिलती है, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। सो दोस्तों नेक्स्ट स्मार्टफोन आपको Moto X40 देखने को मिलने वाली है। 6.76 इंच की आपको OLED डिस्प्ले मिलेगी 120 हर्ट्ज स्क्रीन रिफ्रेश रेट के साथ। Qualcomm Snapdragon 8 Zen 2 की प्रोसेसर होने वाली है। 8GB की रैम वेरिएंट 128GB की स्टोरेज वेरिएंट के साथ आपको ये स्मार्टफोन देखने को मिल जाएगी। 50MP की ट्रिपल कैमरा सेटअप होने वाली है और फ्रंट में 60MP की आपको सेल्फी व वीडियो कॉलिंग के लिए सेंसर देखने को मिल जाएगी। 5000mAh की बैटरी के साथ आने वाली है, जिसे चार्ज करने के लिए आपको 67W की फास्ट चार्जर इन दी बॉक्स देखने को मिल जाएगी। लॉन्च डेट की अगर दोस्तों बात कर लिया जाए तो अप्रैल के थर्ड वीक तक में इस स्मार्टफोन को लॉन्च कर दिया जाएगा, और प्राइस सेगमेंट जो होने वाली है आपको अप्रोक्स 40,000 रुपीज इस स्मार्टफोन की प्राइस सेगमेंट देखने को मिल जाएगी। सो दोस्तों बात कर लेते हैं सबसे आखिरी स्मार्टफोन की, तो आपको Nubia Red Magic 8 देखने को मिलने वाली है। 6.9 इंच की आपको AMOLED डिस्प्ले मिलेगी 120 हर्ट्ज स्क्रीन रिफ्रेश रेट के साथ। Qualcomm Snapdragon 8 Zen 2 की प्रोसेसर होने वाली है। 12GB की रैम वेरिएंट 512GB की आपको स्टोरेज वेरिएंट के साथ ये स्मार्टफोन देखने को मिल जाएगी। 50MP के आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगी और फ्रंट में 16MP की सेल्फी व वीडियो कॉलिंग के लिए सेंसर देखने को मिल जाएगी। 5000mAh की बैटरी के साथ आएगी, जिसे चार्ज करने के लिए आपको 80W की फास्ट चार्जर इन दी बॉक्स देखने को मिल जाएगी। बात कर लेते हैं लॉन्च डेट की, तो आपको अप्रैल के सेकंड वीक तक में इस स्मार्टफोन को कंपनी लॉन्च कर सकती है, और प्राइस सेगमेंट की बात कर लिया जाए तो आपको अप्रोक्स 55,000 रुपीज इस स्मार्टफोन की प्राइस सेगमेंट देखने को मिल जाएगी। सो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। जो लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है सबसे पहले लाइक कर दीजिए, उसके बाद इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो हर रोज पाने के लिए सूर्यानंद भाई चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर कर लीजिएगा, ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो इंटरेस्टिंग वीडियो को आप मिस ना कर सके। चलिए दोस्तों आप लोग से मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।